दिन में 24 घंटे सबको मिलेंगे, लेकिन सोने के टाइम पे हो जाएंगे जीरो। समय को यूटिलाइज करना सीख मेरे दोस्त। आज ये दुनिया तुझे कुछ भी कहे, लेकिन एक दिन तुझे कहना पड़ेगा हीरो, एक दिन तुझे कहना पड़ेगा हीरो। सो हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल के अंदर। और आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हम आज स्टार्ट करने वाले हैं अनलॉक बैच 2022। और ये अनलॉक बैच जो है वो आगे आने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी है, 2023-24 आगे के स्टूडेंट्स के लिए भी ये बैच है। और आज हम अपना चैप्टर फर्स्ट देखेंगे लिविंग वर्ल्ड, ये 11th का चैप्टर है और इसका फर्स्ट पॉइंट है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लाइफ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप इसके लाइन टू लाइन आप पढ़ना चाहते हो चैप्टर फर्स्ट को, लिविंग वर्ल्ड को, तो आप डिस्क्रिप्शन जाओ, वहाँ पे एक लिंक है, वो वीडियो आपके काम आ सकता है। और अगर आपको ग्लास बोर्ड वाला चाहिए तो ये वीडियो में बने रहिए, ठीक है। तो हम आज देखेंगे बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लाइफ, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लाइफ। सबसे पहले तो लिविंग वर्ल्ड, अगर हम चैप्टर का नाम सुनते हैं तो हमको क्या हमारे दिमाग में आता है, लिविंग वर्ल्ड। वर्ल्ड मतलब क्या कि दुनिया, और लिविंग मतलब कि इस दुनिया के अंदर जो भी लिविंग है, जिसकी ग्रोथ होती है, जिसके अंदर रिप्रोडक्शन होता है, ओके, जिसके अंदर डेड होता है जिसका, ओके, जिसके अंदर सेल डिविजन होता है, जिसके अंदर एक्सक्रेशन होता है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपने प्रोसेस सुने होंगे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होते हैं, तो वो सभी है लिविंग वर्ल्ड के अंदर आते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे एग्जाम्पल अगर ले हम, तो यहाँ पे हम ले सकते हैं पीकॉक, ओके, अदर बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, डियर है, टाइगर है, ओके, ग्रास, प्लांट्स आल्सो लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स एंड एनिमल्स। लिविंग ऑर्गेनिज्म दो टाइप के होते हैं, एक होता है प्लांट, दूसरा होता है एनिमल्स। ये सब आता है लिविंग वर्ल्ड के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसको कहेंगे, जो कि जो ऐसा वर्ल्ड जो पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म से भरा पड़ा है, उसे हम कहेंगे लिविंग वर्ल्ड, ठीक है। तो लिविंग वर्ल्ड में सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लाइफ, लाइफ के कुछ बेसिक प्रिंसिपल। प्रिंसिपल्स मतलब क्या होता है कि सिद्धांत, या फिर कुछ ऐसे थिंग्स जो लाइफ के अंदर होते हैं, लाइफ के अंदर, ओके, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो भी बेसिक थिंग्स है, जो भी बेसिक प्रिंसिपल्स है, वो हम देखेंगे इस वाले टॉपिक के अंदर, ठीक है। तो मतलब कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ही होते हैं, वो कौन से बेसिक प्रिंसिपल है वो हम देखेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले है मेटाबॉलिज्म, ठीक है। क्या है मेटाबॉलिज्म? तो मेटाबॉलिज्म अगर आपने पढ़ा है या फिर नहीं पढ़ा है, हम ऐसा कंसिडर करते हैं नहीं पढ़ा है, तो मेटाबॉलिज्म क्या है? मेटाबॉलिज्म होता है, कभी कभी आपने जो है वो ग्रीन टी की एडवर्टाइजमेंट सुनी होगी, उसके अंदर कहते हैं कि ये आपका मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ाता है। तो मेटाबॉलिज्म क्या है? मेटाबॉलिज्म है सम ऑफ कंस्ट्रक्टिव केमिकल रिएक्शन। इसको हम क्या कहेंगे? कंस्ट्रक्टिव, ठीक है, कंस्ट्रक्टिव केमिकल केमिकल रिएक्शन। सो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कंस्ट्रक्टिव केमिकल रिएक्शन होता है, और उसके साथ साथ एक अदर रिएक्शन होता है, वो कौन सा होता है? वो होता है डिस्ट्रक्टिव, ओके, वो कौन सा होता है? डिस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव केमिकल रिएक्शन, ओके। सो दो टाइप के रिएक्शन होते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर, पहला होता है कंस्ट्रक्टिव, दूसरा होता है डिस्ट्रक्टिव, और ये दोनों को कंबाइनली हम क्या कहेंगे? मेटाबॉलिज्म। क्या कहेंगे? मेटाबॉलिज्म कहेंगे, ओके। मेटाबॉलिज्म के अगेन दो टाइप आते हैं, ओके, कौन कौन से? सबसे पहला है एनाबॉलिज्म, सेकंड है कैटाबॉलिज्म, ठीक है। तो एनाबॉलिज्म हम देखेंगे, यहाँ पे लिखता हूं मैं, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म में एक ही चीज का डिफरेंस होता है, वो है कंस्ट्रक्टिव का और डिस्ट्रक्टिव का। सो सबसे पहला है एनाबॉलिज्म, ठीक है, एनाबॉलिज्म लिखते हैं, एनाबॉलिज्म, और सेकंड होता है कैटाबॉलिज्म, तो लिखेंगे कैटाबॉलिज्म। तो एनाबॉलिज्म मतलब क्या होता है? कंस्ट्रक्टिव केमिकल रिएक्शन, मतलब जिसके अंदर क्या होगा, कंस्ट्रक्ट, कुछ ना कुछ बनाने का काम करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ये बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है, एक हमारा मॉलिक्यूल बन गया, मतलब यहाँ पे क्या हो गया? कंस्ट्रक्शन, कुछ बनाने का काम हुआ, ओके, ये कंस्ट्रक्शन का काम हुआ, इसलिए हम इसको कहेंगे एनाबॉलिज्म। तो एनाबॉलिज्म की डेफिनेशन हम क्या कहेंगे? सो एनाबॉलिज्म इज अ सम ऑफ द कंस्ट्रक्टिव केमिकल रिएक्शन ऑकरिंग इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, वो होगा एनाबॉलिज्म। और कैटाबॉलिज्म का आप बता ही सकते हो, क्या बचा है हमारा? डिस्ट्रक्टिव। तो फिर यहाँ पे क्या होगा? सम ऑफ डिस्ट्रक्टिव केमिकल रिएक्शन, मतलब कि क्या, एक मॉलिक्यूल को तोड़ के डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल बनाए जाते हैं, मतलब ये है डिस्ट्रक्टिव, ओके, डिस्ट्रक्टिव तोड़ने का काम हो रहा है, ये होता है हमारा कैटाबॉलिज्म। तो एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म में ये डिफरेंस है कि एनाबॉलिज्म में कंस्ट्रक्टिव केमिकल रिएक्शन होते हैं, कैटाबॉलिज्म में डिस्ट्रक्टिव केमिकल रिएक्शन होते हैं। और कैटाबॉलिज्म का डेफिनेशन हम क्या कहेंगे? सम ऑफ टोटल कंस्ट्रक्टिव नहीं कहेंगे, डिस्ट्रक्टिव बायोकेमिकल रिएक्शन ऑकरिंग इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो होगा हमारा कैटाबॉलिज्म। और मेटाबॉलिज्म ये दोनों का बॉस है, ओके, दोनों चीजें इसके अंदर होती है, मतलब यहाँ पे है सम ऑफ कंस्ट्रक्टिव केमिकल रिएक्शन एंड डिस्ट्रक्टिव एंड आल्सो डिस्ट्रक्टिव केमिकल रिएक्शन ऑकरिंग इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसको हम कहेंगे मेटाबॉलिज्म। तो ये तीन बेसिक जो चीजें होती है
वो बेसिक प्रिंसिपल्स है लाइफ के अंदर होने के, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ये बेसिक प्रिंसिपल है, ये बातें होंगी ही होंगी। उसके बाद और क्या क्या होगा, क्या आपको लगता है क्या और हो सकता है? तो रिप्रोडक्शन हो सकता है कि नहीं? तो रिप्रोडक्शन लिखेंगे, रिप्रोडक्शन। और रिप्रोडक्शन में क्या होता है, री मतलब होता है रिपीट। तो बायोलॉजी आप पढ़ते हो तो बायोलॉजी में आपको बता दूं कि 50% इन्फॉर्मेशन उसके नाम में ही होती है, सिर्फ हमको ढूंढना पड़ता है। ओके, सिर्फ अपना जो पढ़ने का नजरिया है या फिर उसको ब्रेक डाउन करके आप देखो उसके अंदर क्या क्या दिख रहा है। री मतलब होता है रिपीट और प्रोडक्शन मतलब होता है तैयार करना, बनना। ओके, सो रिपीट रिपीट जो लाइफ बनती है, मतलब हमारे पेरेंट्स से हम बने हैं और हमसे हमारी न्यू जनरेशन बनेगी, उस न्यू जनरेशन से सेकंड जनरेशन बनेगी। तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे, रिपीट रिपीट प्रोडक्शन हो रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, रिप्रोडक्शन। और इसका अगर बायोलॉजिक में डेफिनेशन कहेंगे तो वो है द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लाइफ फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। मतलब क्या, एक न्यू लाइफ फॉर्म हो गई फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। ओके, सो ये है प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, मतलब पहले अस्तित्व में जो लाइफ थी वो है प्री एग्जिस्टिंग, पहले अस्तित्व में थी। उसके बाद क्या फॉर्म हुआ, मतलब न्यू लाइफ फॉर्म हुई, इसको हम कहेंगे न्यू लाइफ। तो डेफिनेशन क्या होगा हमारा रिप्रोडक्शन का, सो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू लाइफ फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, ये होगा रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन। ठीक है, तो ये हम उसको बोलेंगे रिप्रोडक्टिव की प्रॉपर्टी। ओके, रिप्रोडक्शन भी हम इसको बोल सकते हैं या फिर रिप्रोडक्टिव की प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं। तो ये है रिप्रोडक्शन। उसके बाद अगेन क्या होता है, ग्रोथ होता है। क्या होता है, ग्रोथ। हम बचपन में हमारा साइज कितना था, हमारे हाइट कितनी थी, अब कितनी है, मतलब क्या हुआ है, ग्रोथ हुआ है। मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, ग्रोथ होता है। और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोसेसेस होते हैं, जैसे कि सर्कुलेशन है, जिसके अंदर ब्लड को सर्कुलेट किया जाता है फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट ऑफ अवर बॉडी। सर्कुलेशन एक है, ओके, सर्कुलेशन होता है। उसके बाद कौन सा होता है, एक्सक्रेशन होता है। ओके, एक्सक्रेशन, एक्सक्रेशन में क्या होता है कि जो नाइट्रोजनस वेस्ट सब्सटेंस होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, उनको रिमूव किया जाता है, वो होता है एक्सक्रेशन प्रोसेस के अंदर। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, डाइजेशन होता है। ओके, सो डिफरेंट डिफरेंट क्या होते हैं हमारे बॉडी के अंदर प्रोसेसेस होते हैं, और ये आते हैं बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लाइफ के अंदर, मतलब ये बेसिक प्रिंसिपल है लाइफ के हमारे। उसके बाद हमारे बॉडी के अंदर इम्यूनिटी होती है। क्या होती है, इम्यूनिटी। और इम्यूनिटी क्या काम करती है आपको पता है? ओके, कोविड 19 का नाम आपने सुना ही होगा, मतलब हर किसी ने कोविड 19 का नाम सुना है। इम्यूनिटी क्या करती है, ये होती है डिसीज रेजिस्टेंट कैपेसिटी, मतलब डिसीज को हमारे से दूर रखने के लिए जो ताकत होती है हमारे अंदर है, उसको हम बोलेंगे इम्यूनिटी। और ये इम्यूनिटी अगर जिसकी वीक है तो उसको डिसीज होगा या फिर नहीं होगा, जिसकी इम्यूनिटी कम है, वीक है, तो उसको डिसीज जल्दी जल्दी से हो जाएगा, बिकॉज उसके अंदर ताकत ही नहीं है डिसीज को दूर रखने की। और जिसकी इम्यूनिटी ज़्यादा है, हाई इम्यूनिटी है, उसको डिसीज जल्दी होगा या फिर नहीं होगा, तो उसको डिसीज नहीं होगा, बिकॉज उसके अंदर ताकत है डिसीज को दूर रखने की, तो वो है इम्यूनिटी। और इम्यूनिटी किससे बढ़ती है, एक्सरसाइज करने से बढ़ती है। हमारी बॉडी की इम्यूनिटी जो है वो एक्सरसाइज करने से बढ़ती है। और आपको डिटेल में इम्यूनिटी के टाइप्स जो है वो चैप्टर नंबर 10 में हेल्थ डिसीजेस के अंदर 12th स्टैंडर्ड में आपको डिटेल में है इम्यूनिटी पढ़ना, उसके अंदर हम पढ़ेंगे। सिर्फ यहाँ पे आपको इतना ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी किस लिए करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी किस लिए किया जाता है, तो उसको क्लासिफाई करने के लिए। ओके, क्लासिफिकेशन क्या होता है हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का, कि जो कौन से कॉर्डेट है कौन से नॉन कॉर्डेट है, वो आपको एनिमल क्लासिफिकेशन में हम पढ़ेंगे। ओके, सो क्लासिफिकेशन के लिए स्टडी किया जाता है, हमारा बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लाइफ के अंदर आता है उसका, एनिमल का स्टडी किया जाता है, ठीक है। और वेरियस ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो मुझे आप बताओ कि ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस क्यों होते हैं, क्योंकि हर ऑर्गेनिज्म को लगता है कि मेरा कुछ अस्तित्व रहे इस दुनिया के अंदर, इस अर्थ के ऊपर, इसलिए वो रिप्रोडक्शन होता है, उसके अंदर रिप्रोडक्शन होता है, एनवायरमेंट के साथ स्ट्रगल करता है। ओके, सो हमारी जो ह्यूमन स्पेसिस है अभी कोविड 19 के सामने स्ट्रगल कर रही है। अगर स्ट्रगल नहीं करेगी तो क्या होगा कि ह्यूमन जो स्पेसिस है वो खत्म हो जाएगी, और हम ऐसा नहीं चाहते कि हमारा एग्जिस्टेंस रहना चाहिए। ओके, इसलिए हमारे अंदर क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है। तो नॉन लिविंग एंड लिविंग में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, जब हम डिफरेंस समझेंगे तब आपको पता चलेगा कि लिविंग में क्या क्या होता है, ठीक है। नॉन लिविंग में ग्रोथ नहीं होती, लिविंग के अंदर ग्रोथ होती है। डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस जो है वो नॉन लिविंग में नहीं होते, लिविंग के अंदर होते हैं। ओके, नॉन लिविंग को फूड नहीं चाहिए, लिविंग को फूड चाहिए। ओके, सो वेरियस वेरियस टाइप्स के प्रोसेसेस लिविंग ऑर्गेनिज्म के होते हैं, वही होता है हमारा बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लाइफ, जो चैप्टर नंबर 1 में लिविंग वर्ल्ड में हमारा पहला टॉपिक है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा, आपको इस टॉपिक में अंदर यही समझना है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो भी प्रोसेसेस होते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, वो है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लाइफ, मतलब कि हमारी लाइफ जो है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसके कुछ बेसिक से लक्षण या फिर हम उसको रूल्स भी कहते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होते हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये वीडियो पार्ट 1 है हमारा इस लिविंग वर्ल्ड का, आपको समझ में आया होगा बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लाइफ। तो इसी तरीके से गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, ये हम आपके लिए बना रहे हैं, तो इसलिए आप ये वीडियो को शेयर करना मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक, ताकि उनको क्वालिटी एजुकेशन मिले, प्लस
हमको भी सपोर्ट हो जाए आपसे, और बिकॉज हम चाहते हैं कि आपको सपोर्ट देना चाहते हैं, आप हमें दो। मैक्सिमम लाइक्स आते हैं, मैक्सिमम रीच आती है, तो हम मैक्सिमम वीडियोस बनाएंगे, हम और बनाएंगे, चाहते हैं कि कितने अच्छी तरीके से आपको पढ़ा सके। ठीक है, तो ये था हमारा बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लाइफ लिविंग वर्ल्ड का पहला टॉपिक। इसी के साथ ही गाइज, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेट। थैंक यू सो मच।